हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार विलार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि पता है, जो मेरी गाड़ी के जो है 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक सेकेंड सर्विस गाड़ी को हुआ है, तो थर्ड सर्विस होता है वो 10,000 रुपये होते हैं। तो गाइस, बता दें कि गाड़ी में इतना ही देर में जो कि गाड़ी की प्रॉब्लम है, बात कर लेते हैं। एक तो गाइस, इसकी जो स्पीड है उसकी काफ़ी कम हो चुकी है, एकदम उतना जो पहले की तरह जो गाड़ी है उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रही है। और सेकेंड बात कर ले कि गाड़ी में जो वाइब्रेट है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी में जो वाइब्रेट हो रहा है, जैसे कि लग रहा है कि बहुत ही पुरानी गाड़ी है। वो यही दिक्कत है जो सामने आ रही है। तो गाइस, ये जो दो दिक्कत है वो सामने आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो इसकी थर्ड सर्विस जब होगी, क्या ये दिक्कत उसमें मतलब कि जो हो रही है वो ख़त्म हो पाएगा या अभी नहीं। तो अभी तक तो, और इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे कि इसकी एसी की, सो इसकी एसी तो अभी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ बढ़िया है इसका। अभी तक तो कोई दिक्कत सामने निकल के आया नहीं है, लेकिन जो निकल के सामने आया हम उसका बात कर ले रहे हैं कि वही जो दिक्कत है जो सामने आ रहा है, जो कि वाइब्रेट, और वाइब्रेट के साथ साथ जो मतलब कि लगता है गाड़ी एकदम पुरानी जैसी जो इसकी पिकअप है वैसे हो गई है। बाकी इसमें तो सब बढ़िया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो गाड़ी जो अभी है मात्र मतलब कि 7,609 किलोमीटर है जो गाड़ी अभी तक चली है। तो इसकी जो थर्ड सर्विस है वो 10,000 रुपये होगी। तो थर्ड सर्विस 10,000 रुपये होगी, तो इसकी जो सर्विस है 1 साल तक ही रहती है, और उसके बाद 1 साल के बाद अगर आप सर्विस करा रहे हैं तो आपको पैसा उसमें है जो पेड करना पड़ेगा। तो अब वही होगा, अब इसकी जो फ्री सर्विस थी वो ख़त्म हो चुका है, जैसे कि हमने एजेंसी से पता किया था। तो एजेंसी वाले ने बहुत से बोले थे कि अगर साल के अंदर में अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी जो तीनों सर्विस है वो फ्री होंगे, लेकिन साल के मतलब कि 1 साल जो हो जाने के बाद आपके जो है सर्विस के जो पैसा लगेंगे। तो अब तो पेड सर्विस ही कराना पड़ेगा, लेकिन कंपनी वालों को मतलब कि कुछ और देना चाहिए, कि ये फॉर्मेलिटी भी बहुत सारे होते हैं, अगर वो भी कुछ दे देते कि ये जो है साल के अंदर नहीं करवाए तो 1.5 साल 2 साल के लगभग देना चाहिए था। मान लीजिए कि जिनका गाड़ी चल रहा है तो ठीक है, वो करवा लेते हैं। जिनका गाड़ी मतलब कि एकदम ना बराबर चलता है, जैसे कोई जो पर्सनल यूज में रखता है उसके लिए दिक्कत भी होता है। बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं वो भी ये बोल रहे थे कि हाँ, कि सर्विस जो है 1 साल के अंदर करवाना होता है उससे, और हमने एजेंसी भी पता किया तो वहाँ पर भी वही नियम था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।